सो भाई आज जो ना मेरे साथ में खड़ी है ऑल न्यू नेक्सॉन सीएनजी। अब नेक्सॉन में जो ना सीएनजी ऑफर कर दिया टाटा ने, लेकिन बूट स्पेस तो देखो भाई इतना सा भी कम नहीं हुआ है। मतलब जैसा बूट स्पेस अपने को नॉर्मली मिलता है ना या मिलना चाहिए गाड़ी में, उतना ही बूट स्पेस अपने को मिल रहा है। ये देखो, यदि मैं इसके ट्रे हटा भी दूँ तो नीचे आपको टैंक दिखेंगे 2 30-30 लीटर के, लेकिन स्पेस उतना ही है। तो आज जो ना डिटेल में अपन बात करने वाले हैं इस नेक्सॉन क्रिएटिव सीएनजी वेरिएंट के बारे में, और देखने वाले हैं भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है और ऑन रोड आपको कितने का पड़ जाएगा। तो चलिए जी करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की से। यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी की देख लो, लॉक अनलॉक बूट ओपनर एंड जो है यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। मतलब यहाँ से आप हेडलाइट ऑन कर सकते हो की से भी, जब आपकी गाड़ी पार्किंग वगैरह में कहीं पर आप भूल गए हो भाई कहाँ लगाई है, तो आप यहाँ से हेडलाइट्स वगैरह ऑन करके देख सकते हो कि आपकी गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ खड़ी है। उसके बाद अब आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहले फीचर्स वाइज सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेन जो डिफरेंस है ना वो इंजन में और पीछे बूट स्पेस वगैरह में है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप बेसिक चीज़ें देख लो, LED DRL यहाँ पे है, LED प्रोजेक्टर यहाँ पे है, आई बीम लो बीम दोनों इसके अंदर है, कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं है क्योंकि ये क्रिएटिव वेरियंट है। क्रिएटिव के बाद क्रिएटिव सनरूफ आता है, क्रिएटिव ड्यूअल टोन भी आता है, तो कई वेरियंट है इसमें। उसके बाद इसकी जो एक शोरूम प्राइस है ना वो लगभग 11,70,000 के आसपास है, और 13,27,000 आपको ऑन रोड पड़ेगी गुड़गांव में हरियाणा में, ठीक है। अब आपको ये गाड़ी लेनी तो आप ZX स्टेटस ले सकते हो, यहाँ पे नंबर दे दूँ, आप इनको कॉल कर लेना। बाकी यहाँ पे फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं है, कोई भी एडवांस फीचर यहाँ पे नहीं है। हाँ, नॉर्मल आपको कंप्लीट LED सेटअप मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ टाटा का लोगो वगैरह है, रेड एंड ब्लैक का पूरा एक कॉम्बिनेशन, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा खासा है गाड़ी का, लगभग 210 के आसपास जो है, लाइक 210 mm के आसपास जो इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। उसके बाद आप साइड में आते हो तो यहाँ पे आपको ये अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं डायमंड कट में, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। ट्यूबलेस टायर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं MRF कंपनी के, तो टायर का साइज़ है वो आप देख लो, ये रहा 215/60R16, तो 16 इंच के व्हील्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद ये ब्लैक कलर की क्लाइडिंग, यहाँ पे ORVMs ब्लैक कलर में, यहाँ पे आपको इंडिकेटर, वाइपर्स के यहाँ पे कंट्रोल, उसके बाद कोई ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है, तो यहाँ पे कोई सेंसर भी नहीं है। उसके बाद साइड से आप गाड़ी को देखते हो तो डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम ही है, कोई चेंजमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्टिंग सेंसर मिल जाता है, कंप्लीट ब्लैक यहाँ पे आपको लाइक जो है फिनिशिंग मिलेगी यहाँ एंड तक, बिल्कुल यहाँ से और बिल्कुल स्टार्टिंग तक। तो ये जो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है ना, ये भी काफ़ी प्रीमियम बनाती है। उसके बाद ए पिलर हो गया, बी पिलर हो गया, एंड जो है यहाँ पे कंप्लीट सी में भी जो है फिनिश आपको मिलेगी ब्लैकआउट की, लाइक मैट ब्लैक की जो फिनिशिंग है वो। उसके बाद पीछे इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक है कि नहीं, तो भैया पीछे ड्रम ब्रेक ही है, डिस्क ब्रेक नहीं है। अब पीछे से आप गाड़ी देख लो एक बार, पीछे जो है ना गाड़ी कुछ इस तरीके की कि यहाँ पे जो आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं वो भी कनेक्टेड, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, कनेक्टेड टेल लाइट्स यहाँ पे आपको मिलेगी कंप्लीट LED में। उसके बाद यहाँ बैकलाइट है, ये अपने रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, यहाँ ICNG की बेजिंग यहाँ पे आ चुकी है, उसके बाद नेक्सॉन की यहाँ बेजिंग है, यहाँ टाटा का लोगो है, और यहाँ पे रिवर्स कैमरा है आपका, कोई भी डिफोगर नहीं है, कोई वाइपर नहीं है। तो ये जो चीज़ आई थिंक क्रिएटिव में होनी चाहिए थी, जब आप अलॉय व्हील वगैरह और सारी चीज़ें दे ही रहे हो तो वो चीज़ भी दे ही देते, क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद रूफ रेल्स है, शार्फिन एंटीना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है कि CNG टैंक कहाँ है और CNG फिलिंग कहाँ से कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैं फ्यूल कैप को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे फ्यूल कैप मैंने ओपन कर दी है। अब फ्यूल का जब आप ओपन करोगे तो यहीं पे आपको CNG फिलिंग का जो है पोर्ट मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। मारुति की तरह नहीं है कि एक साइड पेट्रोल है दूसरी साइड CNG है, बट ठीक है, उनके कुछ अपने रीजंस होते हैं, दैट्स व्हाई वो लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो, CNG सिलेंडर की ID यहाँ पे है, ठीक है, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन है, VIN नंबर, वो सारी चीज़ जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल यहाँ से आप फिल करा पाओगे और कुछ इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हो नॉर्मली। अब आपको दिखाता हूँ कि बूट के अंदर आपको CNG टैंक होने के बावजूद कितना स्पेस मिलता है, पहले से कितना कम हुआ है और अभी कितना आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँ। पहले जो 382 लीटर के आसपास जिसमें आपको बूट स्पेस मिलता था, वैसे जो ना यहाँ पे आपको रिक्वेस्टिंग सेंसर मिल जाएगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आप यहाँ से रिक्वेस्टिंग सेंसर को क्लिक करना, एंड देन जो आपका बूट है वो ओपन हो जाएगा। अब आप लोग देखो, पार्सल ट्रे यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, ये आपको विदाउट CNG वाले में मिलेगा और CNG वाले में भी। तो पार्सल ट्रे यदि आप हटा दोगे ना तो आपको बढ़िया बूट स्पेस मिल ही जाएगा। लेकिन सपोज़ करो यदि मैं पार्सल ट्रे को नहीं हटाता हूँ, ठीक है, और इसको अपन निकाल लेते हैं, ठीक है, तभी मैं आपको क्लियरली जो चीज़ है ना वो मैं दिखा पाऊँगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बूट स्पेस जो है यहाँ पे है और कितना नहीं है। तो अभी आप ये देखो, पार्सल ट्रे मैंने लगा दी, अब जो बूट स्पेस है ना अपने वो 321 लीटर का ये मिलता है टोटल। तो अभी जैसे ही मैंने पार्सल ट्रे हटाई ना, तो यहाँ पे आप देखो आप स्पेस, अब जो ना आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा यदि आप पार्सल ट्रे को हटा के चलते हो, तो आपको बढ़िया स्पेस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इसके नीचे आप देखोगे कि आपका टूल भी यहीं पर ही है, और यहाँ पर आपके 2 सिलेंडर है, अराउंड 9 kg के आसपास इसमें आ जाती है CNG, और यहीं पे आपकी ये किट वगैरह, पंचर किट वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, एंड यहाँ पे पूरा CNG का इंस्टॉलेशन वगैरह नीचे ही है।
तो कोशिश करना कि बच्चे वगैरह इससे दूर ही रहे, कि अभी सीट को आप लोग कंप्लीट ही फोल्ड कर पाओगे, कोई 60-40 वाला है 50-50 वाला नहीं है इसके अंदर, कंप्लीट सीट आप फोल्ड कर सकते हो। अभी चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में, देन देखते हैं कैसा कंफर्ट है, कैसा स्पेस है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं गाड़ी में पीछे और देखते हैं कैसा क्या कंफर्ट है, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो पावर विंडोज़ वगैरह कंट्रोल है, क्रोम डोर हैंडल है, उसके बाद ड्यूअल टोन में आपको इंटीरियर मिलेगा लाइक डोर्स वगैरह, बट इंटीरियर जो आपको ब्लैकआउट ही मिलेगा। अब ये जो इंटीरियर है ना, लोग मिस कर रहे हैं कारों में कि कारों में ऐसा इंटीरियर क्यों नहीं दिया, तो आई होप उसमें बेस मॉडल में ये चीज़ें मिल जाए। बाकी सीट जो है आप देख सकते हो काफ़ी पीछे कर रखी है, तो फिर भी 6 फीट के हिसाब से मेरे को तो भाई स्पेस ठीक मिल ही रहा है, यदि आगे 6.5 फीट का बंदा भी चलाता है, बट इंडिया में नॉर्मली इतने मिलते नहीं है, बहुत कम है गिने चुने, बट फिर भी मान लो ये सीट यदि जिस पोजीशन पर अभी सेट है उस हिसाब से भी इतना कंफर्ट दे रही है, तो यदि मैं इस वाली सीट के पीछे जाऊँगा तो कितना स्पेस मिलेगा, चलिए दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस सीट के पीछे जाता हूँ जो कि अपने हिसाब से सही सेट है, तो आप देखो स्पेस अच्छा खासा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं आएगी। थाई सपोर्ट पूरा मिल रहा है 6 फीट हाइट होने के बावजूद, 2 AC वेंट यहाँ पे मेरे पास में, बट कोई भी USB पोर्ट या टाइप सी पोर्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी फ्रंट से जो है गाड़ी कुछ ऐसी लगती है, कंप्लीट आप लोग देख सकते हो इंटीरियर, आगे भी चलेंगे सारी चीज़ देखेंगे। उससे पहले पीछे कोई लाइट वगैरह, कैबिन लाइट वगैरह भी यहाँ पे ऐसा नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको नॉर्मल ये हैंडल्स ही मिलेंगे, कैबिन लाइट आगे ही मिलती है। अब बीच में कोई आर्म रेस्ट वगैरह वो भी नहीं है, बट हाँ एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तभी जो ना अपन गाड़ी में आगे चलते और आगे जाके देखते हैं सारी चीज़ें, बाकी हेड रूम भी मेरे को अच्छा मिल रहा है। चलो जी आगे और दिखा देता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो अगेन वही सब पैटर्न सेम सब कुछ। उसके बाद यहाँ हाइट एडजस्टमेंट का फीचर दे दिया, बैकरेस्ट एडजस्टमेंट तो आती है सभी गाड़ियों में, यहाँ से आप लोग फ्यूल लिड वगैरह ओपन कर सकते हो लाइक CNG या फिर फ्यूल कुछ भी आपको फिल कराना, तो यहाँ से बोनेट जो है यहाँ से आप ओपन कर पाओगे। उसके बाद अब गाड़ी के अंदर जाके बताता हूँ कि बाकी क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। डोर को कर लेता हूँ बंद, यहाँ से ORVM आप एडजस्ट कर सकते हो। और इस गाड़ी में मिलती है भाई अपने को रिमोट की, तो रिमोट की का मतलब है कि अब की लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये बड़ा सा कंसोल आपको मिल जाएगा, ये देखो इसके अंदर बड़ी TFT डिस्प्ले है, उसी के साथ यहाँ पे RPM मीटर है, ये फ्यूल मीटर है, ये टेम्परेचर, सॉरी ये CNG मीटर है, CNG पेट्रोल, ठीक है, दो यहाँ पे मीटर मिल जाएंगे। बीच में TPMS वगैरह, ओडोमीटर वगैरह, यहाँ पे वार्निंग्स, टाइमिंग, ये अभी इग्निशन ऑन नहीं, ऑन है मतलब इग्निशन पे है, तो यहाँ पे IGN लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, और ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता देगी, यहाँ सीट बेल्ट का रिमाइंड कराएगी, उसके बाद यहाँ CNG पे गाड़ी है, लो CNG है तो वो यहाँ पे बताएगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर मिल जाएगी। तो लो CNG तो वैसे अभी नहीं है, CNG काफ़ी इसके अंदर, तो आई थिंक ये CNG पे शिफ्ट है, दैट्स वाई ये CNG शो कर रहा है। हाँ पेट्रोल यहाँ पे कम है तो उसकी वार्निंग भले ही आपको दे दे। ऊपर जो है आपको बाहर का टेम्परेचर बता देगी गाड़ी, कितना टेम्परेचर है कितना नहीं। अब इसके बारे में अपन ने पहले बात छेड़ दिया, तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको रेशियो मोड मिल जाएगा कि आपने कितनी CNG में चलाई और कितनी पेट्रोल में चलाई है, इसको आप रीसेट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जैसे कि ट्रिप इन्फो वगैरह, CNG इन्फो वगैरह, व्हीकल इन्फो वगैरह, ठीक है, नोटिफिकेशंस वगैरह, लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिजिटल व्यू कर दूँ तो यहाँ पे आपको डिजिटल व्यू मिल जाएगा। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे क्लॉक, कैलेंडर, फेवरेट मेन्यू सेक्शन, फैक्ट्री रीसेट, अबाउट, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके बाद अगेन ट्रिप में जाता हूँ तो ये देखो फ्यूल एवरेज 8.0 लीटर, तो भाई पेट्रोल में इसकी अच्छी माइलेज नहीं है, दैट्स वाई कंपनी ने CNG ऑफर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी बताएगी पेट्रोल में, CNG में नहीं बताएगी। उसके बाद यहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो अगेन सारी चीज़ें वही आ जाएंगी, तो ये सब चीज़ें हैं। अब बताता हूँ आपको इस गाड़ी की बाकी चीज़ों के बारे में। स्टेयरिंग यहाँ पे देखो डी कट स्टेयरिंग है, यहाँ पे बीच में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ये सारे मीडिया कंट्रोल्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से आप कॉल उठा सकते हो, यहाँ से काट सकते हो, यहाँ से आप कमांड दे सकते हो, यहाँ से आप लोग शोर्स चेंज कर सकते हो कि आपको ब्लूटूथ से म्यूजिक चलाना है या फिर FM चलाना है वो क्या, यहाँ से ट्रैक चेंज कर सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड यहाँ जो कंट्रोल्स है ये इस MID के कंट्रोल्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ ये फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी है, प्रीमियम टच दिया है कहीं ना कहीं, AC वेंट यहाँ पे देख लो। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मैनुअल हेडलैम्प्स देखने मिलेंगे, कोई भी जो है ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह नहीं है, यहीं से आप बीम एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल वाइपर मिलते हैं, कोई ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है। उसके बाद यहाँ आ जाती है अपनी 7 इंच की डिस्प्ले, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको वायर देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर भी जो है एक बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है, वो क्या है कि ये जो है ना अपने को लाइक क्वालिटी जो है ना काफ़ी बढ़िया दे देता है, क्योंकि हरमन कंपनी का जो है ना लाइक अपनी स्क्रीन हरमन गार्डन, तो वो जो है ना आपको आउटपुट अच्छा देता है, जितने भी स्पीकर है ना वो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा इनमें जब भी आप कोई म्यूज़िक चलाते हो तब।
उसके बाद में इसके अंदर कोई खास फीचर्स नहीं है। हाँ, पीछे जो रिवर्स कैमरा है वो है, तो उसकी क्वालिटी आप लोग देख लो यहाँ पे। ये देखो, क्वालिटी डिसेंट है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ ठीक है, काम आपका चल जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक एसी यहाँ पे आपको मिलता है, ऑटो का बटन आप देख सकते हो, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, फैन की स्पीड यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से बूट आप ओपन कर सकते हो, तो कई सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ से विंडोज़ को लॉक अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से सीएनजी पे शिफ्ट वगैरह कर सकते हो, यहाँ से आपका डिफॉगर ऑन हो जाएगा, फिर बोलो मैक्स एसी, जिसमें कि सब कुछ ही जो है भाई इसका चल जाता है, मतलब फैन भी पूरी स्पीड में और आगे डिफॉगर विफॉगर सब चल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं गेयरबॉक्स पे, तो 6 स्पीड का गेयरबॉक्स है, रिवर्स जो है आपको ये शिफ्टर ऊपर करके और देन आपको लगाना पड़ेगा, देन आप रिवर्स देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट है, टाइप सी पोर्ट है, 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर, उसके बाद एक यूएसबी ए चार्जर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर बोलो टाइप ए चार्जर। उसके बाद यहाँ हैंड ब्रेक है, यहाँ थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे दो कप होल्डर है जो कि टॉप एंड मॉडल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है वायरलेस चार्जर। उसके बाद यहाँ अगेन दो कप होल्डर है, तो मतलब स्पेस तो इसमें काफ़ी अच्छा है, तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सीट्स वगैरह सब बढ़िया है, कोई इसमें जो सनरूफ वगैरह नहीं मिलता, तो कोई कंट्रोल नहीं है सनरूफ के, बट हाँ सनरूफ वाला वैनिटी भी आप ले सकते हो, क्रिएटिव एस। उसके बाद एलईडी लाइट यहाँ पे है, वैनिटी मिरर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट हाँ यही ड्राइवर साइड देखोगे तो नहीं मिलेगा। उसके बाद 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, यहाँ से आप और भी सेट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको। उसके बाद एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, वो क्या है इसका, या ये देखो स्पेस देखो यहाँ पे आप, भर भर के स्पेस है, दो कप होल्डर है, यहाँ पे आपका वॉलेट वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है, अंदर स्पेस है ढेर सारा। तो इसका जो ग्लो बॉक्स है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बड़ा है, उसमें स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। कंप्लीट इंटीरियर गाड़ी के कुछ इस तरीके का है। आज जो ना नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो इतनी भीड़ है शोरूम पे, आई थिंक आपको ये वीडियो लग रही होगी, भैया क्या तुमने क्या बना दिया, ये इतने तो लोग दिखा दिए वीडियो में, तो वो थोड़ा होएगा अभी, स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा इश्यू है। बाकी आपको नॉर्मल IRVM मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस गाड़ी के अंदर। आप बता दो इसके इंजन के बारे में, कि इंजन में जो है क्या कुछ चीज़ें इन्होंने लाइक जो है चेंज की है, क्या कुछ छेड़खानी की है, वो सारी चीज़ें। और ट्विस्ट की चीज़ भी बताऊंगा एक और। अब वो ट्विस्ट की चीज़ ये है कि भैया पहली बार टर्बो इंजन में जो है ना अपन ने CNG देखी है, वो भी टाटा की तरफ से। जैसे CNG ने जो है भाई अभी कारों में भी DCA लगा दिया लाइक डीजल इंजन में, वैसे ही जो अभी इन्होंने 1.2 लीटर का जो इनका टर्बो इंजन आता था ना, उसके अंदर इन्होंने डाल दिया भैया CNG के। लो CNG के मजे लो, अब तुम टॉर्क तुम्हें सेम मिलेगा भाई वही 170 Nm का, लेकिन पावर तुम्हें 100 BHP मिलेगी, और फिर भी 100 BHP कम नहीं होती है। और जिस प्राइस में आज की डेट में CNG गाड़ियाँ आती है, मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो अराउंड अराउंड 10 लाख रुपए में आपको उसका VXI वेरिएंट मिलता है, जिसमें आपको ठीक ठाक बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें ना ये स्क्रीन मिलती है, ना TFT स्क्रीन मिलती है, ना LED लाइट्स मिलती है। यदि उसके टॉप एंड वेरिएंट को आप लोगे तो भाई लगभग 11 लाख रुपए का आपको कॉस्ट करेगा, 11-11.5 लाख का। तो यदि 13 लाख रुपए में आपको नेक्सोन जैसी बड़ी 5-स्टार रेटेड CNG गाड़ी मिल रही है, तो भैया क्या बुराई है। पावर आपको अच्छी खासी मिल रही है, माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है अच्छी खासी, कि सिटी में आपको 17-18 तक मिल जाएगी और हाईवे पे 20+ मिल जाएगी। तो भैया ये जो इंजन था ना, ये बड़ा मरा हुआ इंजन था, मतलब चलने में तो ठीक था बट परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं देता था, माइलेज भी उतनी अच्छी नहीं देता था। अब लोग इसको लेते थे कि चल ठीक है परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट माइलेज तो चाहिए, बट वो माइलेज भी नहीं दे रहा था। तो एक तरीके से जो ना ये इंजन अपने सेगमेंट का ऐसा इंजन था कि भैया इसको लेने से पहले बंदा सोचता था, वही लेता था जिसको बजट इशू है। अब इस इंजन को सब लेंगे क्योंकि भाई इसमें आ गई CNG, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई आप जो इसको ले सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये जो इंजन है ये काफ़ी बढ़िया हो चुका है अब CNG आने के बाद, अब जो है माइलेज आपको बढ़िया दे देगा। तो अब इस गाड़ी को आप ले सकते हो CNG में, जो आप आराम से मतलब मिनिमम बोलूँ भाई 14-15 की भी माइलेज आपको दे देना सिटी में, तो भाई कुछ बात है। हाईवे पर आपको 20 तो दे ही देगा आराम से, क्योंकि CNG है तो कोई दिक्कत ऐसा चाहेगी नहीं। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी ये थी कुछ आज की वीडियो। प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दी, 13,27,000 के आसपास है, और 13,60,000 में आपको कुछ इसमें बेसिक किट एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह आप लोगे तो पड़ेगी। तो ये जो प्राइस है गुड़गांव हरियाणा की है। बाकी आपको प्राइस के बारे में और जानना है, गुड़गांव से गाड़ी लेनी है, तो भाई देखो मेरा दोस्त है एक सेल्स में, उसको आप कॉन्टैक्ट कर लेना, वो भी खुश हो जाएगा, चलो ठीक है यार कुछ तो इंक्वायरी मिली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।